जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी जो हिंदी भाषा के मॉक टेस्ट की निरंतर सीरीज चल रही है, आप लोग सभी लोग के लिए बहुत ही उपयोगी है और आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज फिर हम हिंदी भाषा का जो टेस्ट लेकर आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें संकलन किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना है, बेल आइकन को आपको दबाना है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। आपको सर्च करना है टेलीग्राम ऐप में IAS स्टडी ट्रिप, और वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे। PDF आदि सारी की सारी जो है वहां पर मिलती रहती है आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है, जल्दी से बताएं। चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है आपको बताना है, जल्दी से लिखें। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर एक, साहित्यक पुस्तकों की जो भाषा है वो मानक हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, ग्रियर्सन ने किसे देसी हिंदुस्तानी कहा है? तो जल्दी से कमेंट में लिखें, किस भाषा को देसी हिंदुस्तानी कहा है ग्रियर्सन साहब ने, तो किसे कहा है, जल्दी कमेंट में 1 2 3 आप लिखते जाएं। खड़ी बोली हो जाएगा विकल्प नंबर एक इसका सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, वाक का शब्द युग्म, यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्न में से क्या होगा? प्रश्न जरा अच्छे से पढ़ लें, आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, विकल्प नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख करके बताना है। तो आपका उत्तर क्या होगा, वाक का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्न में से क्या होगा, जल्दी से लिखें। क्वेश्चन थोड़ी सा कठिन है लेकिन आपने पढ़ा है दोस्तों, आपके लिए कुछ कठिन नहीं है। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, वाक। अगला हमारा क्वेश्चन है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है, जल्दी से लिखें कमेंट में। तो 1 2 3 जल्दी से लिखते जाएं जी, विकल्प लिखते जाएं, विकल्प नंबर कौन सा आपका सही है? उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, मागधी अपभ्रंश से बंगाली, बिहारी, उड़िया, असमिया आदि भाषाओं का जन्म हुआ है। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, जल्दी से कमेंट में लिखें, जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 1, मगही, जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, कुछ लोग गलत जरूर करवाते हैं, लेकिन उत्तर इसका सही क्या है विकल्प नंबर 2, वर्ण। वर्ण जो होती है, वर्ण जो होता है वो भाषा की लघुत्तम इकाई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोगपाह वर्ण कौन से हैं, जल्दी से लिखें कमेंट में, अयोगपाह वर्ण कौन से हैं? तो चार विकल्प में से अयोगपाह वर्ण बताना है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, अम और अहा, इन्हें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, सा 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 और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, जल्दी से लिखें, ये व्यंजन आप पढ़ते होंगे, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो कमेंट में लिख दिया आपने, हाँ जल्दी से लिखते जाएं, और भी सही बता रहे हैं आप लोग। उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? फटाफट कमेंट में लिखें, वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, आपने वर्ग के जो पांच पांच अक्षर होते हैं हर वर्ग में वो पढ़े होंगे, अब द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा महाप्राण, 1 3 और 5 ये कहलाते हैं अर्ध प्राण, और द्वितीय और चतुर्थ कहलाते हैं महाप्राण, इनको आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, चवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो जल्दी से लिखें कमेंट में उत्तर इसका सही क्या होगा, जल्दी जल्दी लिखते जाएं, 1 2 3 4 ऐसे करके आपको लिखना है। उत्तर होगा तालु, चवर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, जल्दी से। नेक्स्ट है, तत् धनमय बराबर क्या होगा तन्मय, कौन सी संधि होगी, जल्दी से बताएं। आपने संधि तो पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो कमेंट में लिखें, मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा संधि, तत् धनमय, तन्मय कौन सी संधि होगी। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 2, व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सम धन आस समास में बराबर समास हो जाएगा मैं कौन सी संधि होगी, जल्दी से लिखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में आपको लिखना है, जल्दी से लिखते जाएं। बहुत सारे लोगों का सही उत्तर आ रहा है, उत्तर इसमें हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, अगर आप MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग इन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं MPPSC व्यापम आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथ ही वो बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं, आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है। फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों PDF भी मिलेंगी, आपको PDF भी डाउनलोड करेंगे और ये बिल्कुल PDF बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको। ठीक है, तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इसमें लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे MPPSC पुलिस जेल प्रहरी सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं MPSI एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको PDF और नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा। ठीक है, और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मुनींद्र में कौन सी संधि होगी। तो आपको कमेंट में लिखना है मुनींद्र में कौन सी संधि होगी, तो इसका प्रश्न उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी मुनींद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि में कौन सी संधि है। जल्दी से लिखें, सप्तऋषि में आपको बताना है कौन सी संधि है। हाँ, जल्दी से लिखते जाएं कमेंट में। उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, गुण स्वर संधि हो जाएगी इसमें सप्तऋषि में। अगला हमारा क्वेश्चन है, नीरोग का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, चार में से एक का चयन करना है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, निरोग का संधि विच्छेद होगा, नह धन रोग बराबर निरोग हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हों या एक दूसरे के विपरीत हों किस समास के अंतर्गत आएंगे। जल्दी से लिखें, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के एग्जामों में, तो आपने पढ़े होंगे। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर दो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको क्या देखना है, ऐसे पद जिनमें दोनों पद आवश्यक हैं एक दूसरे के विपरीत हैं वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आनंद मग्न में कौन सा समास है। जल्दी से लिखें कमेंट में। यहां पर आपने देखा सबसे हमने भाषा से प्रश्न लिए, वर्णमाला से लिए, संधि, फिर उसके बाद समास आ गया। अब समास में से आपको क्वेश्चन बताना आनंद मग्न में कौन सा समास है। उत्तर होगा अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समास के सामासिक पदों में विभक्ति से
अलग होने का लोप होता है तो किस समास में होता है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों का संकलन यहाँ पर किया गया है दोस्तों आपके लिए, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आपने समास पढ़े होंगे, परिभाषा भी पढ़ी होगी, कमेंट में भी लिखते जाएं, है ना, सभी लोग लिखें तो बहुत अच्छा लगेगा। और उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 3, अव्यय भाव समास। ठीक है, जिस समास का पहला पद अव्यय होता है अव्यय भाव समास का होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जल्दी से लिखें, सभी लोग जानते हैं, सभी पे बनता है, सभी लोग कमेंट के माध्यम से लिखें। उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाची होता है इसका पहला पद। नेक्स्ट है, औ उपसर्ग का अर्थ बताइए। औ उपसर्ग का अर्थ बताना, अब आपने संस्कृत के 22 उपसर्ग पढ़े होंगे, हिंदी के पढ़े होंगे, उर्दू के और अंग्रेजी के उपसर्ग पढ़े होंगे। इन उपसर्गों में से अब जो पैटर्न है प्रश्न आने का वो यही है। अब इसका अर्थ पूछ लिया जाता है कि अ उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो आपने उत्तर लिख लिया है, हाँ उत्तर हो जाएगा अ उपसर्ग का अर्थ है हीन। अब आपको उपसर्ग के जो है अर्थ भी याद करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, हिंदी का उपसर्ग भी यहाँ पर बताना है। 4 में से आपने उपसर्ग आपने पढ़े होंगे, आपको 22 उपसर्ग संस्कृत के याद करना है, 13 हिंदी के याद करना है, ठीक है, उर्दू के अलग अलग करना है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, अन जो है वो हिंदी का उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द में उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जल्दी से कमेंट में लिखें, उर्दू के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किस शब्द में हुआ है। 4 विकल्प में से 1 का उत्तर आपको लिखना है, थोड़ा सा टाइम आपको जरूर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। उत्तर सही हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1, ना समझ में जो है उर्दू उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा प्रश्न है, बेशब्दांश जो केवल क्रिया मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं, जल्दी से लिखें। 4 विकल्प में से आपको 1 चयन करना है, उसमें भी आपको 1, 2, 3, 4 उत्तर लिखकर बताना है। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 1, कृत प्रत्यय हो जाएगा जो मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जल्दी से लिखें, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किस शब्द में हुआ है। 4 विकल्प भी मौजूद हैं, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 3, धनक में जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगर आप प्रत्यय पढ़ेंगे अच्छे से तो प्रत्यय जब हम इनका विच्छेद करें तो उन दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए जिनको हम अलग अलग करके पहचानते हैं कि किसमें प्रत्यय है कि नहीं। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, जल्दी से बताइए, कई बार भी पूछा गया है। 4 विकल्प भी मौजूद हैं, 4 में से इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रति जो हो जाएगा प्रत्युत्पन्नमति का सही इसमें उपसर्ग हो जाएगा प्रति। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है। अब कृदंत प्रत्यय भी और तद्यत प्रत्यय आपने पढ़े होंगे, तो कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है आपको बताना है, जल्दी से लिखें, लिखते जाएं कमेंट में 1, 2, 3, 4 आपको बताना है। जो लोग बहुत अच्छा, कुछ लोग सही बता रहे हैं तो उसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, बिकाऊ में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, जल्दी से लिखें, तत्सम तद्भव देशज विदेशी ये सारे के सारे शब्द आपने पढ़े हैं, वो तत्सम शब्द भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो रोशनी यहाँ पर लिखा है ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, जल्दी से आपको लिखना है तद्भव शब्द कौन सा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा विकल्प नंबर 1, संयम जो लिखा है ये तद्भव शब्द है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जल्दी से लिखें, संज्ञा सर्वनाम आपने सभी ने पढ़े हैं, अर्थ के आधार पर आपको बताना है, तो 4 विकल्प में से 1 का उत्तर बताना है। उत्तर सही हो जाएगा इसका 5, अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मिठास में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताएं कौन सी संज्ञा है मिठास में, जल्दी से 4 विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं। उत्तर इसका सही हो जाएगा क्या हो जाएगा विकल्प नंबर 1, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, मिठास में जो संज्ञा है वो भाववाचक संज्ञा है।
नेक्स्ट है, निर्जीव वस्तुओं में हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? जल्दी से कमेंट में लिखें। जैसे हम मान के चलें टेबल है, वॉच है, इस प्रकार की जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें कौन सी संज्ञा होती है हमेशा, तो कौन सी होती है? जल्दी से लिखें। आपने पढ़ी होगी, परिभाषाएं पढ़ी होंगी, नियम पढ़े होंगे। उत्तर होगा जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जब हम टेबल की बात करते हैं तो पूरी टेबल की जाति का यहाँ पर वो लिया जाता है। घड़ी की बात करती है तो पूरी घड़ी जाति का बोध होता है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? जल्दी से चार कमेंट हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम आपने पढ़े होंगे छह प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं ये भी आपको पढ़ना है। उत्तर हो जाएगा तीन, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो मेहनत करेगा सो फल मिलेगा, मैं सर्वनाम है। तो सर्वनाम भी आपको बताना है कौन सा सर्वनाम है, जो मेहनत करेगा सो फल मिलेगा। जल्दी से लिखें कमेंट में। बहुत सारे लोग सही उत्तर बता रहे हैं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम इसका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के भेद भी यहाँ पर बताना है। अभी हमने सर्वनाम के भेद पढ़े, संज्ञा के भेद पढ़े, अब विशेषण के भी भेद बताना है। तो कितने भेद होते हैं विशेषण के? चार भेद होते हैं दोस्तों। विकल्प नंबर एक इसका सही होगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? अब चार विकल्प में से हमें एक का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। जल्दी से बताएं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी बताते चले। उत्तर हो जाएगा इसका प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? अब आपको बताना है, विशेषण आपने पढ़े होंगे, विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, तो वो कौन सा वाक्य है? जल्दी से कमेंट में बताते जाएं। जी बहुत अच्छा, उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर चार, यह स्थान बहुत अच्छा है। ये जो विकल्प नंबर चार है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? जल्दी से बताएं। अभी हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ते आए हैं, अब आपको रचना के आधार पर क्रिया के भेद भी बताना है। यहाँ पर जल्दी से लिखें, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो। विकल्प नंबर एक, दो रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, दो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, आपको पता होगा। ठीक है, राम नहाकर खाना खाता है में क्रिया है। जल्दी से बताएं, आपको क्रिया आपने पढ़ी होगी, क्रिया अकर्मक और सकर्मक कैसे होती है वो भी आपने पढ़ी होगी। जल्दी से कमेंट में लिखें। उत्तर होगा पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया होती है, वहां पर होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो राम नहाकर खाना खाता है, इसमें क्या है? विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं मैं कौन सी क्रिया है? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, जल्दी लिखें फटाफट, तो इसका सही उत्तर देखें, जल्दी लिखते जाएं कमेंट में। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, अकर्मक क्रिया। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों अगर आपसे क्रिया नहीं बनती है, कैसे पहचानें अकर्मक और सकर्मक, तो कमेंट में लिखें, मैं क्रिया का पूरा एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, धातु के कितने भेद होते हैं? जल्दी से लिखें, धातु भी आपने पढ़ी होगी, धातु के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा धातु के दो भेद होते हैं, तो मूल धातु और एक यौगिक। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? जल्दी से लिखें, भूतकाल के भेद आपको बताना है, कितने भेद होते हैं भूतकाल के, कमेंट में लिखें। उत्तर इसका सही होगा, भूतकाल के होते हैं छह भेद। जी हाँ दोस्तों, आपने काल पढ़े होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन कालों में से आपको बताना होता है। शायद मोहन आया हो में काल है, कौन सा काल है? जल्दी से लिखें कमेंट में। तो चार विकल्प में से एक, दो, तीन, चार आपको कमेंट में लिखते जाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, सामभाव वर्तमान काल हो जाएगा इसका, शायद मोहन आया हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहन पढ़ता तो पास होता, किस काल का उदाहरण है? जल्दी से लिखें, इस प्रकार के क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हो रहे लेटेस्ट सभी में पूछे जा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से लिखें, जी कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर एक, हेतु, हेतुमपद, भूतकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहन पढ़ता तो पास होता। नेक्स्ट है,
वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, जल्दी से लिखें वर्तमान काल के। उत्तर हो जाएगा इसका दोस्तों विकल्प नंबर दो, पांच जो है भेद होते हैं वर्तमान काल के। अगला हमारा क्वेश्चन है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, जल्दी से लिखें जो काम का नाम बताते हैं कमेंट में लिखें। इसका सही उत्तर देखते हैं, देखें सही उत्तर, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक क्रिया, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बेकारी शब्द कौन से हैं, जल्दी से आपको कमेंट में लिखते जाना है। टेस्ट निरंतर चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज निरंतर चल रही है, बेकारी शब्द आपको बताना है, बेकारी और अबेकारी पढ़े हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है ना। अबेकारी शब्द जिनका लिंग वचन आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता जिन शब्दों में, उन्हें अबेकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें विकार उत्पन्न होता है उन्हें बेकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये बेकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, अब आपको बताना है सामान्य भूतकाल में कौन सी वाक्य में क्रिया है, जल्दी से एक दो तीन चार कमेंट में लिखें कौन सा आपका सही उत्तर है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, उसने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य जो है सामान्य भूतकाल में है। अगला हमारा जो प्रश्न है, वह चुपके से जा रहा था, रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है, क्रिया पढ़ी होगी आपने, क्रिया विशेषण पढ़ी होगी, जल्दी से लिखें कमेंट में किस भेद का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर चार, रीतिवाचक क्रिया विशेषण इसका सही उत्तर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, जल्दी से लिखें कमेंट में इसका सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण आपने पढ़े हैं तो उत्तर बताएं। यहां से धीरे धीरे हो जाएगी दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं जहां से हमारा जो है सिलेक्शन रुकता है, इस प्रकार के अंदर से भी क्वेश्चन पढ़ना है। क्रिया विशेषण होता है क्या होता है, जल्दी से लिखें, मूल विकारी अविकारी इनमें से कोई नहीं, उत्तर उसका सही हो जाएगा अविकारी। अगला क्वेश्चन जो है, नियति का समानार्थी होगा, नियति का समानार्थी क्या होगा, जल्दी कमेंट में आपको बताना है, जल्दी से लिखें जी, लिखते जाएं सभी लोग, अपना अपना आकलन करते जाएं, जब आप लिखते हैं तो ज्यादा याद हो जाता है। नियति का समानार्थी होगा भाग। नेक्स्ट है, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, दोस्तों एक बार कमेंट में बता देना अगर आपने पेपर देखे होंगे पिछले, तो अर्वाचीन अनेकों बार पूछा गया है, अर्वाचीन का विलोम, और आपको पता भी होगा अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, उत्तर होगा इसका प्राचीन, अर्वाचीन का विलोम प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन्मीलन का विलोम क्या होगा, जल्दी से लिखें कमेंट में, उन्मीलन का विलोम आपको विलोम बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखते जाएं, उत्तर सही होगा निमीलन, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शाश्वत का विलोम क्या होगा, शाश्वत का विलोम आपको बताना है, शाश्वत का विलोम जल्दी से लिखें, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक नस्वर, शाश्वत का विलोम होगा नस्वर। नेक्स्ट है, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश क्या कहलाता है, निश्चित समयावधि में होने वाला जो आदेश है वो क्या कहलाता है, जल्दी से चार कमेंट के माध्यम से आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से लिखें, उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर दो अध्यादेश, निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश अध्यादेश कहलाता है। मन को लुभाने वाली वस्तु क्या कहलाती है, जल्दी से बताएं, क्या बोलेंगे हम जो मन को लुभाने वाली वस्तु हो उसे क्या कहेंगे, तो उसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार मनोहर। अब याद रख लेना है ना, यहाँ पर विचलित नहीं होना, मनोहर जो मन को हरने वाली, मतलब मन को लुभाने वाली, मन को हरने वाली, उसे मनोहर ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पीड़ा उपीड़ा का सही अर्थ आपको बताना है क्या है, तो जल्दी से लिखें, चार विकल्प में से एक का चयन आपको करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर तीन, पीड़ा, एक पीड़ा का अर्थ है चौक दर्द, और दूसरी जो पीड़ा देखो है उसका अर्थ है चौकी, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं है ना, तो यहाँ पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं, तो यहाँ पर MPSI का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना, MPSI बैच कोर्स, और MPPSC का भी चल रहा है मेंस, ठीक है। तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों, MP पुलिस, ये बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी इन बैच
में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहां पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहां पर दी हैं कि अगर आप एक महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक कोड दिया है, ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आप तीन मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद ये 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा, मात्र 3600 रुपए में। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है, यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। ठीक है, और याद रखो इस प्रकार से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अंत और अंत्य में अंतर है तो जल्दी से कमेंट में लिखें। 4 विकल्प में से इस प्रकार के जो शब्द युग्म होते हैं, समान दिखने वाले इन शब्द युग्म के अर्थ अलग अलग होते हैं लेकिन पूछे भी जाते हैं और सिलेक्शन भी यहीं से रुकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, समाप्त। एक अंत का होगा समाप्त और एक अंत्य का होगा अंतिम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन तो दो बनते ही है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर दोनों प्रश्नों को हमने यहाँ पर समावेश किया है। सभी ने लिख दिया, उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर 1, 3। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। अब इसमें कंफ्यूज होते हैं और हमेशा गलत करके आते हैं, रचना के आधार पर 3। अब इसको कैसे याद रखना, जैसे रचना लिखा है आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा, रचना, रचना में 3 शब्द हैं तो रचना यहाँ भी पूछा जाएगा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, तो 3 शब्द है मतलब 3 प्रकार, इस प्रकार से याद रख लेंगे। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है कमेंट में कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर होगा इसका 8 प्रकार के। अब देखना, 8 जब हम लिखते हैं तो आ आता है और अर्थ लिखते हैं तो आ आता है, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं 8, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 3, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या है, वह साधु है परंतु किसी से भिक्षा स्वीकार नहीं करता। इसका जो है ये जो वाक्य है किस प्रकार का है, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, किस प्रकार का, जल्दी से लिखें। सरल संयुक्त वाक्य आपने पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो मैं कम एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि सरल संयुक्त वाक्य सभी की ऐसी ट्रिक होगी जो आपसे बनने लगेंगे, कभी नहीं भूल सकते। तो कमेंट में जरूर लिखते जाए जो चीज नहीं बनती है, है ना। संयुक्त वाक्य, एक हमारे भाई साहब ने पिछले वीडियो में लिखा था कि सर वर्णमाला के क्वेश्चन बनाइए, तो मैं इस सारे के सारे टेस्ट सीरीज में आप देख रहे होंगे वर्णमाला से लेकर पूरे क्वेश्चन इसमें समाहित करता हूं। तो भाई साधु है परंतु किसी से भिक्षा स्वीकार नहीं करता, इस संयुक्त वाक्य होगा। स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो, एक इस प्रकार का वाक्य है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है। सभी लोग बहुत अच्छे से कमेंट लिख रहे हैं, सही उत्तर भी बता रहे हैं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 2, संयुक्त वाक्य, स्वावलंबी बनो अथवा पराश्रित रहो। नेक्स्ट है, संतोष से बढ़कर सुख नहीं वाक्य है। अब आपको यहाँ पर बताना है, 3-3, 4-4 प्रश्न हर टॉपिक से यहाँ पर इस टेस्ट में लिए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी पूर्ण और व्यवस्थित और अच्छी हो। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये सरल वाक्य हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, गर्दन झुकाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मुहावरे हमेशा 2-3 मुहावरे तो पूछे ही जाते हैं हर परीक्षा में, तो गर्दन झुकाने मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, लज्जित होना। गर्दन झुकाना मतलब लज्जित होना, इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, खिचड़ी पकाना का अर्थ है।
जल्दी से लिखें कमेंट में। खिचड़ी तो सभी लोग खाते होंगे, खिचड़ी पकाने का यहाँ अर्थ भी पूछ लिया गया है, तो क्या होगा? उत्तर हो जाएगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, मतलब विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या है? जल्दी से लिखें कमेंट में। अद्भुत रस का, रस आपने पढ़े होंगे, भरत मुनि ने नाट शास्त्र में 8 रसों को जो है उल्लेख किया है, और अद्भुत रस का स्थाई भाव आपको बताना है। स्थाई भाव भी पूछ लिए जाते हैं। अद्भुत रस का स्थाई भाव होगा विस्मय, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौवे रस के रूप में शांत रस को कितने जोड़ा है? जल्दी से लिखें, ये भी बहुत ही टफ क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो 8 रस माने भरत मुनि ने, 9वां रस जो शांत रस है वो उसे किसने जोड़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने जोड़ा है? तो कमेंट में लिखना है आपको उत्तर। उत्तर होगा आचार्य उदय भट्ट ने 9वें रस को के रूप में शांत रस को जोड़ा है इन्होंने। नेक्स्ट है, आचार्य भोज ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? काव्य गुण है ना, ये भी पूछे जाते हैं, काव्य दोष और काव्य गुण भी पूछे जाते हैं। तो आचार्य भोज ने कितने माने हैं? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, आचार्य भोज ने माने हैं 24। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। जल्दी से कमेंट में लिखना है उत्पत्तिवाद के, सभी ने पढ़ी होगी हिंदी, और हिंदी में एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं, उत्पत्तिवाद हो या फिर कोई भी वाद हो वो पूछ लिया जाता है। उत्पत्तिवाद के माने जाते हैं भट्ट लोलट, ठीक है। अनुमतिवाद के माने जाते हैं कौन? संकोक। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। रस के कितने अंग हैं, है ना? रस के अंग यहाँ पर बताना है कितने हैं, 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अब कहीं 9 भी दिया जाता है तो रस के भेद मान लेते हैं कि कितने हैं, श्रृंगार रस आदि ये सभी मान लेते हैं कुछ लोग। तो रस के जो अंग होते हैं वो होते हैं 4, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 4 है ना, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव, ये सारे के सारे जो हैं क्या होते हैं, रस के भेद होते हैं, और ये 4 भेद होते हैं, ये सारे अंग होते हैं जो 4 होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले वीडियो के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और कमेंट के माध्यम से बताना है कि किस प्रकार के हिंदी में कौन सा टॉपिक आपसे नहीं बनता है, उसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और समझाऊंगा भी। आप कभी नहीं भूलेंगे हिंदी में, जो भी आप MPSI की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आते ही हैं। CTET एग्जाम, कोई भी एग्जाम, हिंदी व्याकरण तो पूछा ही जाता है। आपको व्यवस्थित तैयारी करना है और चैनल पर बने रहना है। बहुत सारे वीडियो मैंने उपलब्ध करवाए हैं टेस्ट सीरीज पर आधारित, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। अब आपको बताना है कि आपके कितने अंक जो हैं इसमें आए हैं, कितने आपने क्वेश्चन सही किए हैं। तो दोस्तों जरा कमेंट के माध्यम से बताते जाएं, हम भी आपको धन्यवाद दे दें, इसलिए आप कमेंट में भी बताएं और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें, ताकि वहां पर आपको PDF आदि बहुत सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.